बहुत साल हो गए हैं ऐसा जादू डाल के 20 years I've been counting. There's a grey side to everything and especially war. War कभी black or white नहीं हो सकती है. So we had to inform like 7 countries to tell them that there's a shoot going on. Please do not shoot the plane if it's unscheduled. This sounds intense. Yes. Radio Nasha. हाय मैं हूँ रंगीली रुचि आप देख रहे हैं सुन रहे हैं रेडियो नशा एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर विथ यू गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग आई मस्ट हैव जस्ट लाइक हिट टीनेज व्हेन यू नो यू गॉट द क्राउन एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट यू नो वॉचिंग इट विद माई मदर एंड दिस इज सच अ फैन गर्ल मोमेंट फॉर मी एंड आई हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ एंड मैं सच बता रही हूँ दिल से जेन्युइनली आई एम नॉट अ स्टार स्ट्रक पर्सन एज सच But I am totally feeling it right now. I want to sing for you. Aisa jadoo dala re. बहुत साल हो गए हैं ऐसा जादू डाल के 20 years I've been counting. I've seen all of those stories about you know you shooting it in just 24 hours and all of it. So I'm sorry. Am I a stalker? Not at all. But thank you so much for being a part of this chat. And, you know, I saw the trailer of Ranniti and it looks amazing. I mean, as much as wo dekh karke ek reality check bhi milta hai ki, oh man, I mean, this just happened like a few years back and I saw it. News mein hum sab ne dekha tha ye. Aapko jab ye story sunai ja rahi thi, kya aapko bhi aisa laga tha ki ye story या ये तो देखा मैंने इट जस्ट फील्स लाइक यू नो यू आर स्टक बिटवीन रियलिटी एंड फिक्शन डिड दैट हैपन विद यू नहीं आई थिंक ये स्टोरी हम सब के लिए एक ये बहुत ही बड़ा हादसा हुआ था हिंदुस्तान के लिए और ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप बहुत जल्द भूल जाएंगे और जिस तरीके से इंडिया ने पुलवामा अटैक के लिए भी यू नो मुंह तोड़ जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक के साथ एक तरीके से इस स्ट्राइक ने और हमारे रिस्पॉन्स ने इंडिया को भी एक ग्लोबल पावर की तरह प्रस्तुत किया ऑन अ वर्ल्ड स्टेज एंड यू नो दैट सेट द टोन फॉर द वे इंडिया वाज व्यूड और विल बी व्यूड फॉर द इयर्स टू कम तो बहुत सारी ऐसी फिल्में सीरीज बन चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर लेकिन रणनीति जैसी सीरीज आई डोंट थिंक रणनीति एक बिहाइंड द सीन्स लुक है इस इवेंट्स के ऊपर एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट सिनेमैटिक मोमेंट ऑफ जस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक और जस्ट पुलवामा अगर आप देखें तो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को और बालाकोट स्ट्राइक हुआ था 26 फरवरी को उन 12 दिन के बीच जो एक्चुअली हुआ था जो स्टोरी जो रणनीति की है दे ऑलवेज टेल यू कि यू नो द स्टोरी इट्स द वॉर दैट यू डोंट दैट्स व्हाट रणनीति इज अबाउट एंड आई फेल्ट रियली रियली प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी But tell me something, जो मैंने थोड़े rushes देखे या कुछ आपके जो dialogues थे वो सुने मुझे लगा कि कुछ grey side है to the character that you're playing. Is that true? There's a grey side to everything and especially war. War कभी black or white नहीं हो सकती है. तो you need the characters that have a grey take on life, who are able to navigate what is the new war zone. और यहाँ पे हमारी स्टोरी की जो टैगलाइन भी है कि आज की एक नया रण है रन वॉर्स आर नॉट टुडे फॉट ओनली ऑन द वॉर फ्रंट ऑन द वॉर जोन व्हाट यू सी ऑन द ग्राउंड इट्स द परसेप्शन ऑफ द वॉर दैट द वर्ल्ड सीज दैट एक्चुअली डिसाइड्स द आउटकम और द विनर और द विक्टर ऑफ अ वॉर But what if you know आपको एक out and out negative character अभी I would love it I don't be आगे जाकर आपको वो भी देखने oh. oh. सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको पता चला संतोष please tell me आज सर्बिया में इसकी काफी शूटिंग हुई थी और आपके वहाँ के कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो कि मतलब लोगों तक पहुँची नहीं है but please tell me how was the experience so सर्बिया I mean like I have shot 2 series in Serbia पहले अपहरण हमने शूट किया था उसके बाद रणनीति हम गए वहाँ पर शूट करने के लिए तो सर्बिया एक ऐसी कंट्री है जो फिल्मों के लिए दे रोल आउट अ रेड कार्पेट कि आप आइए आपको जो शूट करना है जैसे शूट करना है आप करिए सो उनका फिल्म कमीशन बड़ा ही हेल्पफुल और सपोर्टिव है इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा हमने इसके लिए हमने उनके स्टेट प्रिजन में शूट किया है जहाँ पे कैदी हैं अंदर और हम बाहर शूट कर रहे हैं लाइक यू नो इन द कॉरिडोर्स हमने उनके पार्लियामेंट में शूट किया तो हमारा जो क्लाइमैक्स है वो सर्बियन पार्लियामेंट में हमने शूट किया है सो लाइक इंटरनेशनल काउंसिल का एक सीन है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक भारी डिबेट हो रहा है एंड सारे वर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे एंड द होल
वी वॉन्टेड समथिंग, उसके लिए हमें सेट नहीं बनाना था, कुछ इंटरनेशनल फील वाली लोकेशन चाहिए थी. तो दे गेव अस अ पार्लियामेंट, बाहर राइट्स चल रहे थे और हम अंदर शूट कर रहे थे, लाइक यू नो इट वाज लिटरली लाइक दैट. सो वेरी हेल्पफुल, वेरी ओपन टू वर्क विद कंट्री. सो उन्होंने हमें 50 टैंक दिए जो हमने यूज़ किए. सो एवरीथिंग यू सी इज फॉर रियल. तो 50 टैंक्स, लाइक यू नो नोबडी गिव्स, लाइक हमें यहाँ पे परमिशन भी नहीं मिल रही थी. वी गॉट 50 टैंक्स एंड आई हैव अ वेरी लाइक वन इनसाइट टू शेयर. लाइक यू नो आई रिमेंबर वी वर शूटिंग दिस टैंक सीक्वेंस वेयर द आर्मीज आर हेडिंग टूवर्ड्स द बॉर्डर, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ. नाइट शूट था और लाइक यू नो इट्स अ ठंडी का समय है लाइक कश्मीर में. आई वॉन्टेड सम फॉग एंड स्मोक, लाइक यू नो, एंड जो फॉग मशीन हमने बुलाई थी वो ख़राब हो गई तो आई नहीं. नाउ आई एम लाइक नो बीटिंग माई हेड की अब और लड़ाई कर रहा हूँ कि फॉग चाहिए मुझे. एंड वाइल दिस इज होल थिंग वॉज गोइंग ऑन, एक आर्मी का जो यू नो कमांडर था जो शूट के लिए इंचार्ज था सर्बियन, ही सॉ अस एंड वो मेरे पास आया, बोला व्हाट डू यू वांट. आई सेड आई वांट फॉग. सो ही सेड हाउ मच फॉग. सो आई एम थिंकिंग व्हाट इज ही लाइक यू नो गोइंग टू गिव मी. ही सेड हाउ मच फॉग. आई सेड व्हाटएवर यू कैन गिव मी. सो ही जस्ट लुक्स एट द टैंक्स एंड वो सर्बियन में कुछ बोलते हैं एंड सारी टैंक शुरू हो जाती हैं एंड दे स्टार्ट लाइक स्प्रेडिंग आउट स्मोक एंड सो मच स्मोक that you is asking me tell me when to stop. I said stop. so the most beautiful thing was, like, it was a good learning actually. He told us that the tanks, they have a ability to camouflage themselves in a war type situation, so nobody can see them. And he said as much fog as you want, take it now. So it was such a nice thing to learn also, like, you know. So it's like lovely shooting over there. Yeah, real jets we shot. Wow. You know, all the jets, and it was again, Serbia is a very small country. तो उसके आजू बाजू में 6-7 देशों को हमें इन्फॉर्म करना पड़ता था कि ये जहाज यहाँ से टेक ऑफ करेगा, वरना दे सेड लाइक यू नो दे विल शूट अस डाउन, क्योंकि एज सून एज यू टेक ऑफ यू एक्चुअली गोइंग इन टू सम अदर्स एयर स्पेस. सो वी हैड टू इन्फॉर्म लाइक 7 कंट्रीज टू टेल देम दैट देयर इज अ शूट गोइंग ऑन, प्लीज डू नॉट शूट द प्लेन इफ इट्स unscheduled. This sounds intense. Yeah, so it was a very intense planning to get baat. This correct. Yeah. Kya baat hai. Now I'm so much more excited to watch it actually. Lara, you know, the show I host on radio is so much about relationships and I am a mother, so being a mother, everybody talks about star kids. But what about being a star mother? Does it change how you look at motherhood? Does it make you a little different? Yeah, does your child look at you differently because you're a star? No, your ghar ki murgi dal barabar. For your child, you're only a mother. She doesn't care ki kundme kya kar raha hai, kya nahi karna hai. Not at all. Not at all. My mother, you know, you don't know Miss Universe. No, nothing of the sort. My daughter is my biggest grounding. Matlab, and children, the true only truth comes out from their mouth, so they don't care. Isme bakwas lag rahi ho, mummy. क्या पहन रखा है, आर यू गोइंग आउट लाइक दिस, ऑल ऑफ दिस. सो देर इज नो फिल्टर ओवर देर एंड यू एंड स्पेशली वेन यू हैव अ डॉटर. नाउ तो शी इज 12 ईयर्स ओल्ड, सो शी इज वेरी ओपिनिएटेड. बट आई हैवंट रियली एवर फेस्ड एनी डिफरेंस ऑफ रेजिंग, आई मीन बीइंग ईदर अ सेलिब्रिटी मदर और एन एक्टर मदर, रेजिंग अ चाइल्ड. आई थिंक आई जस्ट ट्राई टू क्रिएट एज स्टेबल होम लाइफ एज आई कैन फॉर माई किड एंड कीप हर ग्राउंडेड एंड दैट्स अबाउट इट. Yeah. Relate Max. Yeah. Thank you so much. Thank you. This was a lovely chat. Radio Nasha.